बेटा जैसे हमने लिख दिया m इज इक्वल टू एन आई ए, एन आई इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ एम्पियर टर्म्स, इसको नंबर ऑफ एम्पियर टर्म्स कहते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें इसमें भी बताया था कि तुम लोग इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते थे विच वॉज लाइक वेक्टर लेंथ चार्ज इंटू द लेंथ ऑफ डाइपोल, और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू थी, तो इसमें इसकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है। इसमें तुम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों पी क्रॉस ई लिखा था। तो यहां पे मैंने तुम्हें पहले बोला है इसको एम लिख दो या पी एम बोल दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो तुम लोग इसको टॉर्क को जब लिखोगे तो ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एम क्रॉस बी लिखोगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एम क्रॉस बी, उधर पी क्रॉस ई है और इधर क्या है एम क्रॉस बी, इधर क्या है एम क्रॉस बी, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एम क्रॉस बी है, और जब तुम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, यहां पे तुम लिखते हो माइनस पी डॉट ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब तुम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहोगे ठीक है माइनस एम डॉट बी आएगा बेटा, माइनस एम डॉट बी आएगा, ये रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, वैसे ही जैसे इसमें होता है। और जैसे तुम बोलते थे कि जब जब फाई या जब तुम बोलते थे थीटा जब जीरो होता है तो उसका नाम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इसमें भी यही चीज है। अगर थीटा यहां पे इसका नाम तुमने फाई रख दिया, अरे इसमें अगर फाई जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, लॉजिक बहुत सिंपल है, सेम है। और अगर थीटा की वैल्यू पाई होगी, अगर फाई की वैल्यू पाई होगी, ये अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है बेटे, तो यहां पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जो तुम्हें पहले मैं अभी पीछे पुराने लेक्चर में बता के आता था इस चीज के बारे में, ठीक है बच्चों, उसको बिल्कुल जबरदस्त वे में याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट किया गया है वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में भी आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक, राइट डाउन द वर्डिंग। द वर्डिंग इज बेटे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये होता क्या है, राइट डाउन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट और टू ऑब्टेन नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इन अ सर्कल, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इन अ सर्कल। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर होता है, जैसे याद है ना करंट लैक्सिटी किया था, तो करंट लैक्सिटी में गैल्वेनोमीटर जो था वो आपको जीरो डिफ्लेक्शन देता है, तो ये वही गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और इसका वर्किंग किस पे डिपेंड करता है बेटा, इसका वर्किंग किस पे डिपेंड करता है, देखो क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है कि इट्स वर्किंग
its working is based on effect, is based on effect that the torque is the torque is experienced by the coil when a current is passing through it, जो अभी हमने कल भी किया था. Current is passing through it. करंट उसमें पास कर रहा है. हमने कल भी यही किया था कि अगर आप कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है टॉर्क. तो उसी टॉर्क के बारे में तुम बोल रहे हो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब सुनो होता क्या है बेटा. मैं तुम्हें कुछ इसके बारे में चीजें बताता हूं. तुम्हारे पास ऐसे सिंपल से बना लेते हैं. ये देखो होता क्या है कि ये कॉयल है तुम्हारे पास एक ऐसे, और इसके ऊपर तुमने एक मिरर लगाया हुआ है इस कॉयल के ऊपर. ठीक है, मैं तुम्हें इसकी वर्किंग समझा रहा हूं कैसा है. इसके ऊपर तुमने एक मिरर लगाया और ये एक थ्रेड के साथ इसको बांधा हुआ है जिसका नाम है फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर. फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर. ठीक है, अब ये बेटा तुम्हारे पास मान लो तुमने करंट ऐसे भेजा और ये कॉयल है कोई. ठीक है, ऐसे करके कॉयल है. अब यहां पे तुमने मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ. यहां पे तुमने एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ और ये करंट भेजा बेटा ऐसे. ठीक है, और इसको यहां से कुछ सपोर्ट दे दिया, यहां से सपोर्ट दे दिया और इट इज लाइक कनेक्टेड टू अ सेल. और इसमें कॉइलिंग में ऐसा है बेटा, ऐसे गया इधर फिर ये ऐसे कॉइलिंग है सारी की सारी. ये कॉइलिंग ऐसे करके और ये बाद में इसको इसके साथ जुड़ा हुआ है. समझ रहे हो ना ऐसे करके कॉइलिंग हुई है और ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे तुमने सेल लगा दिया ऐसे करके. अब हुआ क्या, इसको जोड़ दिया ऐसे और ये नॉर्थ है ये साउथ है बेटा. इसके कारण तुमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया. लॉजिक बहुत सिंपल है बेटा. होगा क्या, इस पे टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा. जब बेटा ये कोई चीज घूमेगी तो इस वायर के अंदर एक ट्विस्ट आएगा, मान लो ये जब ऐसे घुमा, तो इसके अंदर एक ट्विस्ट आ गया. अब क्या होगा, ट्विस्ट आ गया. उस ट्विस्ट के कारण है ना, अगर जैसे तुम इसमें मान लो यहां पे तुमने स्विच लगा दिया या टैपिंग की लगा दी, जैसे तुमने की को छोड़ दिया करंट जीरो, तो जिसके अंदर ट्विस्ट आया था वो दोबारा से उसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आ जाएगा. वो दोबारा से उसको किसमें लेके आ जाएगा बेटा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इसको वापस लेके आ जाएगा बेटा. क्लियर हो गया पॉइंट. बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट. तो ये आ गया, तो इसमें क्या हो गया, पहले जैसे मिरर था ये सामने, अब जैसे ही तुमने करंट भेजा बेटा ट्विस्ट आ गया तो ये अब मिरर थोड़ा ऐसे पॉइंट कर जाएगा, ऐसे कर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ये मिरर. ठीक है, थोड़ा सा मिरर जो है टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट. तो तुम इसमें क्या बोल पा रहे हो, तुम ये बोल पा रहे हो कि ये करंट की वजह से, यहां पर लिख देता हूं, करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया,
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इसका वैल्यू तुम लिखोगे एन आई ए बी, क्या लिखोगे एन आई ए बी, और हम बोल रहे हैं लेट अल्फा बी द ट्विस्ट। कैसे किसी बॉडी को बेटा एक जगह पे फिक्स करके दूसरी जगह से घुमा दो तो उसके अंदर एक ट्विस्ट आ जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एंड लेट अल्फा बी द ट्विस्ट इन द वायर इन द फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर एंड के स्मॉल के बी द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मतलब एक डिग्री अगर ट्विस्ट आए तो उसके अंदर कितना टॉर्क चाहिए एक, और अगर अल्फा डिग्री आए तो कितना टॉर्क चाहिए बेटा अल्फा, है ना के अल्फा। सो जब इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, सो एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और बेटे कौन सा क्या नाम है इसका रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तुम्हारे पास क्या है बेटे एन ए बी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तुम्हारे पास क्या है एन ए बी, और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है बेटा के अल्फा। कई बुक्स सी लिख देती है, कई बुक्स सी लिख देती है, सी थीटा लिख देती है, तो अब टेंशन लेना, सी का नाम कपल लिख देंगे, कपल क्या होता है टॉर्क ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई थीटा लिख देती है, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। तो यहां से बेटा तुम देखो अल्फा जो तुम निकाल रहे हो किसके बराबर आ रहा है एन बी ए पाई के इंटू वाई, और ये सारे का सारा फैक्टर जो है बेटे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन गैल्वेनोमीटर, गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए ये कांस्टेंट है, गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए ये क्या है कांस्टेंट, या इसका नाम तुम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह लो, कैसे भी कह लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तुम्हें पता लग रहा है बेटे कि जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है आई, तो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटे आई, ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी द रिफ्लेक्शन, ये लॉजिक है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगी, ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन, ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन, ये रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है। तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट कीजिए बेटा एक बार, जल्दी जल्दी से लिखिए कॉपी पे, देखिए तुम्हारे पास एक वर्डिंग आती है why the magnets in MCG that is called moving coil galvanometer is concave shape,
ये कॉनकेव शेप्ड क्यों होते हैं? दे आर कॉनकेव शेप्ड क्यों होते हैं? व्हाई? तो तुम्हें इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ये जो तुमने यहां पे मैग्नेट लगाए थे ना बेटा, ये वाले ये कॉनकेव शेप्ड है, ये तुम्हारे पास कॉनकेव शेप्ड होते हैं. तो क्यों होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क बेटा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क, ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो है मैक्सिमम टॉर्क आए. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क, और अगर हम बोले इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क मैग्नेट्स मस्ट बी कॉनकेव शेप्ड बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड विल बी रेडियल, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड विल बी बेटा रेडियल, वो रेडियल फील्ड हो जाएगा. जो रेडियल फील्ड होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, रेडियल फील्ड हमेशा क्या होता है, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल होता है ना, तुम्हें अभी बताया था. इसकी वजह से हमारे पास टॉर्क जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम आता है. ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिए, एक बार एक और पॉइंट. जैसे हमने लिखा अल्फा पाई आई, दैट इज टोटल ट्विस्ट बाय टोटल करंट, सॉर्ट ऑफ टोटल ट्विस्ट बाय टोटल करंट, इसका नाम तुम लिखते हो बेटा करंट सेंसिटिविटी, जो कि नो डाउट एन बी ए बाय के बराबर है. एन बी ए बाय के बराबर है. और अगर तुम इसको जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम दोनों तरफ इसको आर के साथ डिवाइड कर दो ये, तो आई आर इज नथिंग बट वोल्टेज बेटा, या पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. और ये टोटल ट्विस्ट है बेटा और ये टोटल वोल्टेज आ गया, तो इसका नाम टोटल ट्विस्ट बाय टोटल वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जब रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. कौन सी रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल बेटा. ठीक है, जब तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका नाम बन गया फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी. इसका नाम बन गया, क्या बन गया तुम्हारे पास? वोल्टेज सेंसिटिविटी. ये चीज तुम लोग जबरदस्त वे में याद रखो. अच्छा ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? बच्चों क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए एक और पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक और पॉइंट बेटा. तुम्हें अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया ही था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक वाली, उसका फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ डॉट प्रोडक्ट एम डॉट बी या माइनस ऑफ एम बी कॉस फाई. और जब तुम कोई वर्क डन लिखते हो, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला जब तुम लिखोगे तो वो किसके बराबर आता है? इसकी वैल्यू के बराबर. ठीक है, कितना? माइनस पहले आएगा एम बी कॉस ऑफ फाई एफ फाइनल माइनस ऑफ, यहां पे माइनस लिखिए, यहां पे फिर से माइनस लिखिए, फिर माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस ऑफ फाई आई ऐसे. ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला बेटे, क्योंकि तुम्हें बताया हुआ है पहले से मैंने,
जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तुम ये जब माइनस लिखते हो, एम बी तुम्हारे पास कॉमन आ गया। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ मैं, छोटा सा, कॉस फाइव एफ माइनस कॉस फाइव आई, मतलब ये माइनस को भी प्लस कर दिया तो ऐसे आएगा। अब लॉजिक सुनिए, बड़ा जबरदस्त लॉजिक है ये। अच्छा तुम्हें पता है ना एम क्या होता है, एन आई ए, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है, आई ए आ गया, जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त। यहाँ पे एम को लिख दो आई ए, आई ए इधर आ गया बेटा, तो ये आ गया बी ए। अब बी ए को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, बी ए कॉस फाइव माइनस बी ए कॉस फाइव आई। और बच्चों तुम्हें बहुत जबरदस्त वे में पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, बी डॉट ए। जैसे तुम्हारे पास अगर ध्यान में नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ध्यान में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड विद द एरिया। तो वर्क डन तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द करंट इनटू द चेंज इन फ्लक्स, करंट इनटू द चेंज इन फ्लक्स। ये भी जबरदस्त पॉइंट है बड़ा, करंट को चेंज इन फ्लक्स के साथ लिख दो तो तुम्हारे जन्म सफल हो गया। ये भी है, मतलब ये कहीं पे भी आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉर्मली नहीं मिलेगा। वर्क डन के वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर कॉयल की टर्म इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए आगे, अभी मैं तुम्हें ना एक जबरदस्त पॉइंट शेयर करने वाला हूं बेटा, जबरदस्त पॉइंट है ये, मतलब जिंदगी सफल हो जाती है ये पॉइंट सुनने दो। क्या होता है इसका नाम होता है गायरो मैग्नेटिक रेशो, इसको स्मॉल जी लिखते हैं बेटा। ये होता क्या है पहले ये समझते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। बस कहानी खत्म। कोई भी बॉडी हो और उसका डायपोल मोमेंट होगा और उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका रेशियो ले लो तो वो हमेशा गायरो मैग्नेटिक रेशियो के बराबर होगा, हमेशा उसका नाम स्मॉल जी रहेगा। अब मैं तुम्हें जबरदस्त वे में जल्दी जल्दी से कोई चीजें शेयर करता हूं, तुम उसको लिखने में ध्यान देना, ठीक है। दैट टर्म इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सुनिए सबसे पहले हम रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। सुनिए बेटा, जैसे मान लो तुमने ये सर्कल बनाया और एक इलेक्ट्रॉन है बेटा जो ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे मेरे साथ साथ बेटा कॉपी पे लिखते जाना, फिर तुम्हें ये बहुत जबरदस्त वे में और इजी भी लगेगा, समझ भी लगेगा, ठीक है। आर रेडियस के सर्कल में ये ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें पता है बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, मास एम होता है। और सॉर्ट ऑफ जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो तुम उसको मान सकते हो ना कि ये करंट ही है, इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज नथिंग बट द करंट। अब सुनो करना क्या है, अब देखो बेटे डायपोल मोमेंट लिखना चाहते हो, डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, करंट इनटू एरिया। अच्छा करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब देखो जबरदस्त, चार्ज कितना, क्यू कितना, ई, क्यू कितना, ई। और टाइम पीरियड आ गया टी। अब देखो टी किसके बराबर आएगा, टाइम पीरियड के। अब ये होता किसके बराबर है, टू पाई बाय ओमेगा के, क्योंकि अगर ये ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है बेटा तो इसका आंसर क्या आ गया, टू पाई बाय ओमेगा। ये आ गया टू पाई बाय ओमेगा इनटू व्हाट बेटे, पाई आर स्क्वायर। कितना आंसर आया, पाई के साथ पाई कटा दो, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। ये तुम्हारे पास आ गया एम का वैल्यू। अच्छा तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, कुछ भी नहीं,
तुम्हें पता ही है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये पॉइंट का नाम सी रख दो इनटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम बेटा याद है ना, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम को एल लिखते हैं, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, वेलोसिटी की जगह ओमेगा लिखते हैं। तो ये आ गया आई सी ओमेगा। अब आई सी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, आई सी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? अब आई के आई सी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास एम है बेटा। आई सी क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एम आर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गया बेटे एम आर स्क्वायर साथ में ओमेगा। नाउ डायरोमैग्नेटिक रेशियो किसके बराबर आ गई बेटा, एम बाई एल के। एम कितना निकाला तूने, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। अच्छा एल कितना निकाला, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा तो कितना आया, ई बाय टू एम। ये आंसर आ गया जी का वैल्यू, डायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू ई बाय टू एम। बच्चों क्लियर हुआ ये, बच्चों क्लियर हुआ ये, बेटा ये क्लियर हो गया सभी को? यस गुड। कोई डाउट है, क्वेरी है तो जरूर बताओ बेटा, कोई डाउट। ओके तो ये तुम्हारे पास एक जबरदस्त पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट, देखो अब एक और पॉइंट आया, क्या आया, कहता है रिंग की बात करते हैं यार, रिंग की बात करते हैं, छह रिंग की बात करनी है, ठीक है। तो रिंग का चार्ज होगा क्यू, उसमें मास होगा, उसका मास होगा एम, ये बात तो तुम्हें पता लग जाएगी। अब जब बेटे तुम एक रिंग को करोगे कंसिडर, ये अब रिंग के ऊपर तुम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे, और इसका मास एम ही होगा, इसका रेडियस आर होगा, और टोटल चार्ज रिंग पे तुमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यों, ठीक है। कहानी बहुत सिंपल है, तुम फिर से बोलोगे क्या सर, डाइपोल मोमेंट लिखना है किसके बराबर, करंट इनटू एरिया के बराबर। ओके कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो करंट किसके बराबर आएगा, चार्ज बाय टाइम, एरिया कितना, फिर से पाई आर स्क्वायर। अब टाइम की वैल्यू टू पाई बाय ओमेगा, टू पाई बाय ओमेगा, और साथ में पाई आर स्क्वायर, ये एम आया। अच्छा ये रिंग है, तो बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होता है, बच्चों याद है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेटे। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी लिखना है, तो वो आएगा आई सी इंटू ओमेगा। अच्छा आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये किसके बराबर होता है बेटे, एम आर स्क्वायर के, तो उसका मास होता है रिंग का। तो एल सी का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा, आई सी, आई सी का वैल्यू एम आर स्क्वायर साथ में ओमेगा, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितनी आ गई बेटा, एम बाय एल सी, विच इज अगेन कैंसिल करने के बाद क्यू बाय टू एम आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन था तो ई बाय टू एम आया, अभी तुम्हारे पास क्या है, अभी रिंग है तो क्यू बाय टू एम आया। तो जनरलाइज कर लियो ये चीज को, इसको जनरलाइज कर लो कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आया तो जी हमेशा क्यू बाय टू एम होगा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें जी का वैल्यू यही रहने वाला है,
एक और एग्जांपल आपको करवाते हैं और अच्छा लगेगा, जबरदस्त लगेगा। देखिए जैसे तुम बोलो सर रॉड की बात करते हैं, इसका मास एम है, इसकी लेंथ एल है, उस पर चार्ज क्यू है और उसको अपन रोटेट कर रहे हैं अबाउट वन एंड, उसको रोटेट कर रहे हैं अबाउट वन एंड, उसको वन एंड के अराउंड रोटेट किया जा रहा है। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये रॉड है, इस पे तूने बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉड का मास एम है तेरे को पता है, लेंथ एल है तेरे को पता है और चार्ज क्यू है तेरे को पता है। तुमने इसको पी पॉइंट के अराउंड ऐसे घुमाना शुरू कर दिया ओमेगा के साथ। सबसे पहले इजी पॉइंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा पी पॉइंट के अराउंड, तुम बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी इंटू ओमेगा। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी कितना आएगा बोलोगे एक बार, एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है बेटा इंटू ओमेगा। पता है ना इसके बारे में, बेटा इसके बारे में पता है ना बच्चे, थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है। तो एल पी का वैल्यू आई पी ओमेगा आ गया और इसका वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा के साथ आ गया। अभी इसके बाद तुम बोलोगे सर अभी एम कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है तुम पहले जब इसको रोटेट करोगे तो सबसे पहले तुम एक एलिमेंट लोगे। अब जब तुम इस एलिमेंट को घुमाओगे तो तुम पहले उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, तो वो आएगा डीएम। इसका चार्ज कितना आएगा डी क्यू, ठीक है, और वो डीएम कितना आएगा, मान लो इसका दूरी यहां से यहां तक एक्स है तो कितना आएगा डीएम का वैल्यू, करंट आएगा नो डाउट डी आई इंटू पाई एक्स के, क्योंकि तुम्हें पता ही ना डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए, ए क्या होता है एरिया। अब जब तुमने एलिमेंट की दूरी एक्स ले ली बेटा तो वो एक्स रेडियस डिस्क्राइब करेगा ना सर्कल, उसका आएगा डी आई इंटू पाई एक्स के। अच्छा तो डी आई कितना आएगा, डी आई आएगा जो स्मॉल चार्ज आएगा, तो स्मॉल चार्ज आएगा डी क्यू, और उसको तुम ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे हो तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड आ जाएगा इंटू पाई एक्स के। तो तुम्हारे पास डी क्यू कितना आ गया बेटा, ये जबरदस्त पॉइंट है जो तुम्हें शेयर कर रहा हूं मैं, कोई अगर पॉइंट समझ ना लगे पूछना तुम्हारा फर्ज है, समझाना हमारा फर्ज है। हाँ जी बेटा समर्थ क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना एक बार क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अभी जैसे मान ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो मैं बता दिया, तुम उसको याद कर लो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अबाउट दिस एंड एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो वैसे समझ लो कुछ होता है टर्म ऐसा तो उसका वैल्यू ये होता है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिफरेंट टॉपिक है ना बेटा रोटेशन मोशन का, उसको अभी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा तो बेटे लैम्डा का वैल्यू तुम्हारे पास क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और एलिमेंट का कितना है चार्ज ओवर लेंथ, बस कहानी खत्म। क्या करना, देखो क्या आया यू बाय एल इंटू डी एक्स बाय 2 इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्यू बाय 2L ओमेगा इधर आ गया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितनी दूरी है बेटा इसकी 0 से L तक। अब जब तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ये क्यू ओमेगा बाय 2L आएगा, ये तुम्हारे पास एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा फ्रॉम 0 टू L, इसका आंसर जो है क्यू ओमेगा क्यू ओमेगा एल स्क्वायर एल क्यूब एल कट जाएगा एल स्क्वायर बाय 6 आएगा, और ये कितना निकाला था तुमने एम एल स्क्वायर बाय 3, सो स्मॉल जी का वैल्यू कितना आया बेटा तेरे पास एम बाय एल, एम कितना आया बेटे
तूने अभी निकाला कितना q ओमेगा l स्क्वायर बाय 6 डिवाइडेड बाय बेटा l कितना है ml स्क्वायर बाय 3। जबरदस्त छा गए, क्या बात, तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया कितना। जबरदस्त है ना, तो ये जी का वैल्यू बेटे आ गया क्यू बाय टू एम। दैट्स आवर आंसर। इज इट क्लियर एवरीबडी बच्चों? बच्चों सुन रहे हो? मतलब ये चीज ना मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, इस चीज को दिमाग में रख लो, ये शॉर्टकट भी है। कभी भी तुम्हें, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे अभी m का वैल्यू तुम q बाय टू एम लिखना चाहते हो, उसको एंगुलर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, बस छा गए, तुम m निकाल लोगे। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ गया, बस चार्ज को तुम अच्छे से लिखना और जबरदस्त लिखना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिजल्ट है बेटा, ठीक है, क्यू बाय टू एम। तो इसको तुम लोग बस दिमाग में छाप लो यार, कि क्या है, कैसा है, कैसे करते हैं, वो चीजें ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हें वो पॉइंट्स क्लियर रहेंगे, तो तुम्हें वो जबरदस्त वे में समझ लगेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? बच्चों यहां तक कोई डाउट? नो, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास, हमारा सारे का सारा इसका कॉन्सेप्ट, कि इसको हम लोग कैसे लेते हैं। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं, तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, केमिस्ट्री में बेटा तुमने पढ़ा हुआ है ना यार, क्या बोलते हो तुम लोग उसको, बोहर मॉडल को पढ़ते हो ना, बोहर मॉडल में तुम बोलते हो ना MBR जो होता है वो NH बाय 2 पाई होता है, MBR, ठीक है, जो MBR होता है वो NH बाय 2 पाई होता है। और तुम्हें बोल दिया जाए, बताओ nth ऑर्बिट में बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तुम क्या करोगे? चार्ज, नो डाउट इलेक्ट्रॉन है, मास बाय मास 2m आएगा, उसको l के साथ मल्टीप्लाई करो। अब l कौन है? mvr का नाम तुम l ही रखते हो, ये आ गया e h by 4 pi m। यही तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इसका, मोमेंट का, n टाइम्स eh by 4 pi m। और ये जो वैल्यू होती है बेटा, इसको तुम म्यू बी इसका नाम रखते हो, बोहर मैग्नेटॉन इसका नाम तुम रखते हो बेटे, बोहर मैग्नेटॉन, ये भी तुम इसमें पढ़ते हो, ठीक है बच्चों? आई थिंक तुम्हें ये चीज अब क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ कर दूं एक चीज को, कि ये कभी कभी पूछा जाता है कि अगर तुम सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो इसकी ओमिक ग्रेनोमीटर की, तो क्या करोगे? सीधी सी बात है, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, या एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा दोगे, या एरिया बढ़ा दोगे, या जो के है उसको कम कर दोगे, बस तब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है? कि थोड़ा सा भी करंट जाए तो एकदम से वो डिफ्लेक्शन दे अच्छे वाला, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है बच्चों? ठीक है।
यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए।